ओम शांति 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 नामा पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारक वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुविभावुकः तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन में मन शिव संकल्प मस्तु सर्वे भवन् सुखिनः श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोमाता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय कहाँ बृहदारण्यक उपनिषद 1410 शंकर भाष्य पृष्ठ 291 ज्ञानोत्पत्ति ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्ध्वम् तत्काल जन्मांतर संचितानां च कर्मणां अप्रवृत्त फलानां विनाश सिद्धो भवति फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुतेरेव। ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व प्राक माने पूर्व का अर्थ है पश्चात और ज्ञानानुष्ठान काल में जो कर्म अनुष्ठित होते हैं
जिनका फलोपभोग प्रारंभ नहीं हुआ है, जिनकी संज्ञा संचित है, वे सब के सब तत्वज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्मसात हो जाते हैं। तत्वज्ञ के जीवन में फल प्रदान करने में समर्थ नहीं होते, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म अपने द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित शुभाशुभ हुए कर्म जो कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि पूर्वक हुए हों और सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर की प्रेरणा से फल देने में प्रवृत्त हो गए हों, जिनका नाम प्रारब्ध है, उनका फल तो तत्वज्ञों को भी प्राप्त होता ही है। धैर्यपूर्वक उन फलों को भोगने की आवश्यकता है। कभी सुख कभी दुख की घाटी तो प्रारब्ध के फलस्वरूप आती ही है। ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचितानांच, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व, ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात और ज्ञानोत्पत्ति समकाल में जो कर्म होते हैं उनमें विभाग है। ज्ञानोत्पत्ति के बाद तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्ववित, पश्चम श्रणवन इत्यादि भगवद्गीता के पांचवें अध्याय में सन्निहित वचन है। युक्तो मन्येत तत्ववित, युक्त है, तत्ववेत्ता है, अज्ञानी नहीं है और विक्षिप्त नहीं है। युक्त माने विक्षेप शून्य, विक्षिप्त नहीं है। तत्ववित ज्ञानी है, क्योंकि आशंका हो सकती है कि विक्षिप्त होगा या अज्ञ होगा। कर्म करता हुआ कोई कहे मैं नहीं करता हूँ, पानी पीता हुआ कहे नहीं पानी पीता हूँ, या तो विक्षिप्त होगा या नादान होगा। एक बच्चा था वृंदावन मोरियाबाजी के यहाँ रहता था, उसके पिता पितामह भी थे। वो पेशाब करता था, अरे तू मूत रहा है ना, उसे पता ही नहीं था कि सिखाना पेशाब करना भोजन कर रहा ना, उसको पता ही ना था कि इसके नाम भोजन कर रहा है। इसलिए तत्वविद का अज्ञ तो करता हुआ भी नहीं समझ पाता मैं कर रहा हूँ, और तत्ववित भी का तत्ववित माने अज्ञ नहीं है और युक्त माने विक्षिप्त नहीं, करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक ही कर्म है। अंतर्निहित योग्यता के बल पर कर्म का आकलन होता है। क्या अर्थ हुआ? अगर अंदर कर्तृत्व बुद्धि है तो बाहर से कर्म हो तो भी कर्म, अकर्म हो तो भी कर्म, विकर्म हो तो भी कर्म। अगर अभ्यंतर योग्यता के बल पर कर्तृत्व विगलित है तो तत्वज्ञ के द्वारा अनुष्ठित जो कर्म होते हैं वह कर्म हो जाते हैं। सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते, यह अर्थ प्राय सामर्थ्य की प्रगल्भता के बल पर या पूर्व संस्कार के बल पर जैसा भी आचरण तत्व के जीवन में हो
कभी कभी सामर्थ्य की प्रगल्भता के बल पर अद्भुत आचरण तत्वज्ञों के जीवन में अभिव्यक्त होता है। संसारी व्यक्ति उसकी अनुकृति न करें यह आवश्यक। कभी कभी प्रबल प्रारब्ध के बल पर भी जिस कर्म की अपेक्षा नहीं तत्वज्ञ से वह कर्म भी उनके द्वारा बन जाता है। ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचिता नाम चार चीज़ें हुई। ज्ञानोत्पत्ति के प्राक एक, ज्ञानोत्पत्ति के बाद दो, ज्ञानोत्पत्ति समकाल में तीन और संचित चार, चार प्रकार के कर्म हो गए। अकर्मणाम अप्रवृत्त फलानाम प्रारब्धातिरिक्त कर्म हो गए संचित, जिन्होंने अपना फल देना प्रारंभ ही नहीं किया। विनाशा सिद्धो भति ऐसे कर्मों का चार प्रकार के, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व, ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात, ज्ञानोत्पत्ति समकाल में और जो संचित हैं जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, इन चारों प्रकार के कर्म में फल देने की क्षमता नहीं होती। तत्व ज्ञान के बल पर सब दग्ध हो जाते विनाशा सिद्धो भति फल प्राप्ति विघ्न से दसु तेरे व, ऐसी स्थिति में ज्ञान फल प्राप्ति विघ्न से दसु तेरे व, फल की प्राप्ति में विघ्न का निषेध श्रुति के द्वारा ही यह तथ्य सिद्ध है, अभिप्राय हुआ। कौन सी श्रुति है? तस्य न देवाश्च न भूत्या ईशता इति श्रुते है, तीसरी टिप्पणी में। ऐसा जो व्यक्ति है देवता भी उसके कार्य में विघ्न क्या डाल सकते हैं, देवता का शासन भी उस व्यक्ति पर नहीं चलता क्योंकि वह अतिक्रांत हो गया। केवल प्रारब्ध की दाल गलती है तत्वज्ञ पर, शुभाशुभ कर्म जो फल देने के लिए उन्मुख हो गए उन कर्मों की दाल तो गलती है, बाकी कर्मों की दाल नहीं गलती। अर्थात संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और आगामी कर्म तीनों भस्म हो जाते हैं। चौरासी लक्ष योनियों में कोई भी योनि प्राप्त हो, कोई भी शरीर प्राप्त हो, कर्म का फल ही तो है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था दो गच्छन्ति तामसा, पुण्य के प्रभाव से ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, पुण्य पाप दोनों के योग से मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, पाप की प्रगल्भता से अधम योनि की प्राप्ति होती है। यह कर्म का फल ही तो जन्म है। जन्म के मूल में कर्म, कर्म के मूल में जन्म, जन्म और कर्म की परंपरा अनादि है। देवताओं का प्रभाव है ही, कर्मेंद्री के अनुग्राहक देवता है या नहीं, ज्ञानेन्द्रीय के अनुग्राहक देवता है या नहीं, अंतःकरण के अनुग्राहक देवता है या नहीं, अग्निर्वाग भूत्वा देवता ही, अग्नि माने वाक इंद्रिय का ही देव, अग्नि वाक होकर अर्थात अध्यात्म होकर मुख में प्रविष्ट हो गए, मुख भी वही बने, प्रवेश भी उन्हीं का हुआ। इस प्रकार से पिछले दिनों हमने बताया सोपाधिक धरातल पर भी जीव देवताओं से उत्कृष्ट सिद्ध होता है। कैसे
कोई जीव ही कर्मोपासना के फल स्वरूप देव योनि को प्राप्त होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते, एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद्य वत्पत सोई। विषय कर्ण ग्राम से उद्भासित हैं, कर्ण ग्राम अधिदेव से उद्भासित, और देवता जीव से उद्भासित। जीव औपाधिक धरातल पर भी देवताओं से उत्कृष्ट सिद्ध है, क्योंकि कोई जीव ही कर्मोपासना के फलस्वरूप, समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप देवयोनि को प्राप्त होता है। लेकिन इस वाक्य का उपयोग नास्तिकता में नहीं करना चाहिए, देवता कौन होते हैं, मैं तो उनसे बड़ा हो गया। किसी भी ज्ञान का क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। जब मनुष्यत्व की भावना से भावित होता है मनुष्य, तो देवता उससे ऊपर हो जाते हैं देवयोनि की दृष्टि से। जब जीव सोपाधि धरातल पर भी जीव अपने स्वरूप के अनुरूप जीव ही स्वयं को समझता है, तो देवताओं से अतिक्रांत हो गया वह। विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते, एक सचेता। यह विषय कर्णग्राम से उद्भासित, कर्णग्राम अधिदेव से उद्भासित, अधिदेव जो है वो जीव से उद्भासित, जीव जगदीश्वर से उद्भासित, निरपाधिक धरातल पर जो ब्रह्म तत्व है वही जीव जगत जगदीश्वर तीनों रूपों में उल्लसित है। अब उसमें भी सावधान रहने की जरूरत है, करण में अंतःकरण भी तो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता विष्णु क्षेत्रज्ञ या विष्णु, अहम के देवता रुद्र। तो ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा ये अंतःकरण के देवता हुए या नहीं? तो आप कोई कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा से भी मैं बड़ा हो गया क्या? ये तो करण के देवता हैं, करण के करण देवताओं से उद्भासित, देवता जो है जीव से उद्भासित हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और चंद्रमा से भी उत्कृष्ट हो गए। हाथ के देवता कौन है? इंद्र। इंद्र से भी बड़े हो गए। तो किसी भी ज्ञान का क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए, यह अभिप्राय। कल बताया था या परसों बताया था, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि नेत्र के देवता सूर्य हैं। मैंने प्रश्न कर दिया कि नेत्रों से सूर्य का दर्शन होता है, तो सूर्य भाष्य हो गए, नेत्र भाषक हो गए, तो कैसे समझें? तो उन्होंने कहा सूर्य भगवान का अनुग्रह है कि नेत्र के भाषक होने पर भी नेत्र के भाष्य रूप से वो उल्लसित होते हैं। ज्ञानोत्पत्ति प्राक ऊर्ध्वम, ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व, प्राक ऊर्ध्वम माने ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात। ज्ञान का अर्थ यहाँ तत्व ज्ञान, और तत्काल ज्ञान समकाल में को जन्मांतर में जो संचित किए गए कर्म जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया, अप्रवृत्त फलानाम वही विनाशा सिद्धो भवति। इतने प्रकार के कर्मों का विनाश तत्व ज्ञान से हो जाता है। फल प्राप्ति विघ्न से दस होते रहे, वह आपने कैसे कह दिया? या
ये जो कर्म है फल देने में उल्लसित हो तो विघ्न देवता भी नहीं डाल सकते। तस्य न देवाश्च न भूत्यायुष्यते इति श्रुतेः। या देवता उसके मार्ग में विघ्न नहीं डाल सकते, क्यों? एक तो वो देवताओं को भी अपना आत्मा स्वरूप ही समझता है, अधिदैव के रूप में भी जीव ही उल्लसित है, मैं ही उल्लसित हूँ, सर्वात्म भाव संपन्न है। और सोपाधि धरातल पर कोई जीव ही देव भाव को प्राप्त होता है तो जीव का अपना स्थान देवताओं से उत्कृष्ट ही है। सर्वात्म भाव की दृष्टि से उत्कर्ष अपकर्ष बनता नहीं, सर्वरूपों में भी उद्भासित हूँ। इस प्रकार इसलिए फल देने में ज्ञान का जो फल, उसमें विघ्न डालने में देवता समर्थ नहीं होते। अब दो पहले कहा समर्थ होते हैं, विघ्न डालते हैं, यहाँ कहा कि विघ्न नहीं डालते। एक शंकरानंद थे, स्वर्गाश्रम में रहते थे, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य वैश्य कुल के थे। उन्होंने एक ग्रंथ ही जैसा लिखा शंकाओं का ही, शंकराचार्य के वचन में परस्पर विरोध है। अब यहीं का ले लें, कोई कह सकता है कि पहले कहा इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, देवता जो है ज्ञान मार्ग पर कोई चलता है तत्व ज्ञान के मार्ग पर तो विघ्न डालते हैं, और यहाँ कहा कि विघ्न डालने में समर्थ नहीं होते, विघ्न डाल ही नहीं सकते। तो स्तर के भेद से विवक्षा वसात वचन में विभेद होता है या अभिप्राय। देवता समझते हैं कि मेरे लिए यज्ञ करता है, यज्ञों के द्वारा मेरा पोषण करता है, मेरा यजमान पशु सदृश है। जैसे पशुपाल की जीविका के संवर्धन में पशु उपयोगी होते हैं, ऐसे ही देवताओं के भरण पोषण में उनको यज्ञ के माध्यम से तृप्त करने में मनुष्य भूमिका प्रस्तुत करते हैं। तो मनुष्य पशु तुल्य हो गए और देवता पशुपाल हो गए। ऐसी स्थिति में कोई तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलता है तो देवता समझते हैं मुझसे आगे बढ़ जाएगा। जीव का स्वभाव होता है, मनुष्यों का स्वभाव होता है। नैमिषारण्य में एक संत थे, पहले किसी साधक को उठाते थे और जब नींद आती थी जगा देते थे। ठीक सिद्ध है इनको निद्र। जब वो देखते थे कि ज्ञान आदि में मेरे समकक्ष होने जा रहा है या मुझसे ऊपर उठने की स्थिति है तो विघ्न डाल के कचूमा निकाल देते थे। ये देवताओं का स्वभाव होता है। नाम नहीं ले रहा लेकिन भगवान के रूप में पूजने के लिए उनकी विलक्षण स्थिति थी, एक क्षण भी भजन नहीं करते थे कभी। एक क्षण भी कोई पुस्तक नहीं पढ़ते थे, लोग हमको ऐसा न समझें कि भगवान नहीं। और काम क्रोध लोभ से बिल्कुल दूर, भगवान सिद्ध करने के नाम पर भी बुराइयों से अतीत हो गए थे। अध्ययन नामक कोई चीज़ नहीं, संन्यास से पहले जो कुछ ग्रंथ पढ़ा हो कभी एक क्षण भी पढ़ते नहीं थे, एक क्षण भी भजन नहीं करते थे। भजन करूँगा पढ़ूँगा तो लोग समझेंगे कि भगवान नहीं है, काम नामक चीज़ नहीं, क्रोध नामक चीज़ नहीं, लोभ नामक चीज़ नहीं, स्वयं को भगवान के रूप में ख्यापित कर पूजने की भावना से बहुत से सद्गुणों के जीवन में आ गए थे। और बाहर से अगर कोई नकल करे, एक क्षण पढ़ते नहीं थे, एक क्षण भजन नहीं करते थे।
दंड का तर्पण करते समय भी ध्रुव जी ये बात है या नहीं, माने एक मिनट भी नहीं लगता दंड यूँ यूँ छू रहे देते थे और मुझसे बात भी करते रहते। हमने मन में सोचा बहुत अच्छा है, तो दंड के तर्पण में कितना समय लगता होगा, उसमें भी बिना बातचीत किए नहीं रहते यूँ यूँ यूँ। तो तत्वज्ञ ज्ञानोत्पत्ति प्राग, ज्ञान की उत्पत्ति के पहले जो कर्म होते हैं, ऊर्ध्व ज्ञानोत्पत्ति के बाद जो कर्म होते हैं, और ज्ञान समकाल में भी कोई कर्म, श्रवण मनन निध्यासन आदि ज्ञान अनुष्ठान काल में, और जन्मांतर के जो संचित कर्म हैं जिन्होंने फल देना प्रारंभ नहीं किया है, वे सब कर्म तत्व ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो जाते हैं, फल देने में समर्थ नहीं होते। कितना बड़ा लाभ हुआ, फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुते रेव, यह कहा। इसलिए देवता जो हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में विघ्न डाल दें यह संभव नहीं। क्षीयते चाष्य कर्माणी तस्मिन् दृष्टे परावरे तस्य तावदेव चिरम सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन। एतमुहैवेते न तरता नैनं कृता कृते तप्ता एतम हवाव न तपति न विभेद कुतश्च न इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। यह कहा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, आगे क्या है, तस्मिन् दृष्टे परावरे, अन्यों की दृष्टि से जो पर है वह भी तत्व दृष्टि से अवर सिद्ध हो जाए तो परावर, और परावर का दूसरा अर्थ होता है पुरुष परावर नाथ, तुलसीदास जी ने लिखा पर और अवर दोनों, और पर भी जिसकी दृष्टि में अवर है वो परावर का अर्थ दो होता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तत्वज्ञान के प्रभाव से कर्म क्षीण हो जाते हैं, अर्थात जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ नहीं किया है वे कर्म फल देने के लिए कभी उन्मुख भी नहीं होते। ज्ञान का यह महत्व है। तस्य तावदेव ही चिरम, तत्वज्ञ है उसके जीवन में विदेह कैवल्य में उतना ही विलंब है जितना कि देहपात नहीं हुआ है। कबीरदास जी ने लिखा जन्म लेते समय हम रोए, माता पिता सब हंसे, लाला का जन्म हो गया। ऐसी करनी कर चलो हम हंसते हैं जग रोए, जीवन में ऐसा कर्म करो हंसते हंसते देह त्याग करें सब रो में आ ऐसे महापुरुष चल बसे। जब हम रोते हुए जन्मे तो माता पिता सब रिश्तेदार हंसे वाह वाह लाला का जन्म हो गया, अब ऐसी करनी करो हम हंसते हुए कुछ कर दें शरीर छोड़ दें लोग रो में आ ऐसा महापुरुष कहाँ मिलेगा। या क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, प्रारब्ध फल दे करके क्षीण हो जाते हैं, बाकी कर्म संचित तत्व ज्ञान के बल पर नष्ट हो जाते हैं। तस्य तावदेव चिरम सर्वे पापमनः प्रदूयन्ते, पापमनः पापमानः सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। तत्वज्ञ की दृष्टि से पुण्य भी पाप है, भाष्यकार जी ने एक जगह लिखा
अन्यों के लिए तो पुण्य पुण्य है, पाप पाप है तत्व की दृष्टि से, क्योंकि कर्म मात्र प्रमाद का फल है, ज्ञान का फल है। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक पाप किया तो फल देगा, पुण्य किया तो फल देगा, फलप्रदता कारण पुण्य भी तत्व की दृष्टि से पाप है, या पाप शुभाशुभ कर्म सतिक्रांत तत्व के होता है यह अभिप्राय। तस्तावदेव चिरम, विदेह कैवल्य में उतना ही विलम्ब है जब तक देहपात नहीं हो जाता। तत्व ज्ञान के पश्चात देहपात हो गया तो देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण विहीन केवल तत्व मात्र होकर, सच्चिदानंद मात्र होकर अवशिष्ट रहेगा। घट फूट जाने पर घटाकाश महाकाश होकर ही शेष रहता है, तद्वत समझना चाहिए। तस्य तावदेव चिरम, देहेन्द्रीय प्राणांतःकरण, एक विचित्र बात है, शरीर तो यहीं छूट जाता है सब होकर जो तत्व के नहीं है, बाकी पूरी अष्टक सहित जीव कला शेष रहती है। तत्व ज्ञान में ही वह क्षमता है कि स्थूल शरीर तो यहीं छूट गया सब हो गया, सूक्ष्म और कारण शरीर भी सदा के लिए शांत हो गया। घट भी फूट गया, घटोदक भी लुढ़क गया, और घटाकाश भी महाकाश होकर शेष रह गया। तत्व ज्ञान में ही क्षमता, महाप्रलय की ज्वाला में भी क्षमता नहीं है कि पूरी अष्टक को जला दे। महाप्रलय की ज्वाला में भी क्षमता नहीं है कि पूरी अष्टक कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतःकरण चतुष्टय अंतःकरण पंचक तन्मात्र पंचक अविद्या काम और कर्म सूक्ष्म और कारण शरीर, इनका नाम है पूरी अष्टक। पिछले दिनों बताया आध्यात्मिक धरातल पर आठ पूरियाँ ये हैं, व्यावहारिक धरातल पर आठवीं पूरी में हम लोग हैं, कौन, जगन्नाथपुरी में, अयोध्या मथुरा माया, माया माने हरिद्वार, काशी कांची अवंतिका, अवंतिका माने उज्जैनी उज्जैन, द्वारावती द्वारका, ये सात पूरियाँ हैं। आठवीं पुरी का नाम है जगन्नाथपुरी, जहाँ हम लोग हैं। और हमारे आपके जीवन में ये आठ पुरियाँ कौन कौन हैं? कर्मेंद्रीय पंचक, पांच कर्मेंद्रियों का समुदाय, एक पुरी ज्ञानेन्द्रीय पंचक, पांच ज्ञानेन्द्रियों का समुदाय, और अंतःकरण चतुष्टय या अंतःकरण पंचक, मन बुद्धि चित्त अहंकार और ज्ञातृत्व अंतःकरण पंचक, नहीं तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय, वो प्राण पंचक प्राण अपान व्यान उदान समान, और इन सब का उपादान कारण तन्मात्र पंचक। तन्मात्र पंचक माने अपंचीकृत पंच महाभूत, कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक अंतःकरण पंचक प्राण पंचक तन्मात्र पंचक अविद्या काम और कर्म। अविद्या का अर्थ है कारण शरीर माया अज्ञान, कर्मेंद्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक अंतःकरण पंचक और प्राण पंचक तन्मात्र पंचक, फिर अविद्या काम और कर्म। अविद्या कारण शरीर का नाम है, माया का नाम। काम और कर्म कहाँ रहते हैं? इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, भगवान का वचन है गीता में। इंद्रिय मन और बुद्धि में काम रहते हैं, काम का निवास कहाँ है? इंद्रिय मन और बुद्धि में, कर्णग्राम ही काम का निवास होता है। और कर्म भी कहाँ रहेगा? इन्हीं में,
शरीर, स्थूल शरीर को शारीर कर्म यह सब, लेकिन शारीर कर्म कब होगा? जब कार्यात्मक स्थूल शरीर को करुणात्मक सूक्ष्म शरीर का योग प्राप्त होगा तब। इसलिए कर्म का निवास भी किसमें है? इन्हीं में है। तो इस प्रकार से कर्मेंद्रिय पंचक, ज्ञानेन्द्रिय पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण पंचक, तन्मात्र पंचक, अविद्या, काम और कर्म, इनका नाम है पुर्यष्टक। पुर्यष्टक तत्वज्ञानी का जब शरीर पूरा होता है, होने का समय होता है, तत्वज्ञान के प्रभाव से प्रारब्ध क्षीण हो जाने के बाद पुर्यष्टक ही जल जाए। महाप्रलय की ज्वाला में भी क्षमता नहीं है सूक्ष्म कारण शरीर को जला दे, केवल तत्वज्ञान वो क्षमता है। तत्वज्ञान के पश्चात प्रारब्ध फल देने के लिए उन्मुख रहता ही है, लेकिन तत्व का जब देहपात होता है तो सूक्ष्म कारण शरीर या पुर्यष्टक जिसको कहा हमने, वो भी सदा के लिए शांत हो जाता है। घट भी फूट गया, घटोदक भी लुढ़क गया, घटाकाश महाकाश होकर शेष रह गया। इस प्रकार से जीव सदा के लिए ब्रह्म होकर ही शेष रह जाता है। अर्थात फिर महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का संकल्प भी उसे देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त नहीं कर सकता, क्योंकि यह मर्यादा है। इदम ज्ञान उपासित्य मम साधर्म आगता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय नाम व्यतंत च। महाप्रलय की दशा में भी जो मुक्त जीव सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रह गए, उनको उत्पीड़ित कर दे संभव नहीं, जला दे संभव नहीं। सर्गे पिनोपजायन्ते, ऐसे जो जीव मुक्त हो चुके महासर्ग के प्रारंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। उत्पन्न और नाश, उत्पत्ति और नाश से अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही शेष रहता है। इससे बढ़िया ज्ञान क्या होगा? सर्वे पाप मान प्रजूयन्ते, क्या हुआ? जितने पाप हैं सब उसके प्रजूयन्ते, विगलित हो जाते हैं। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप के न। उस परमात्म तत्व को आत्म रूप से जान लेने पर पाप माने शुभाशुभ कर्म से लिप्त नहीं होता। एतमु हई वै ते न तरतः, या पांचवी टिप स्पष्टता, या यह जो तत्वज्ञ है इसे शुभाशुभ कर्म छू दें संभव नहीं। नैनम कृताकृत तपता, कृत या कृत को लेकर तत्वज्ञ तप्त नहीं होता। तप्त माने हाय मैंने पाप क्यों किया, हाय पुण्य का अवसर होने पर भी पुण्य क्यों नहीं संपादित किया, या कृत अकृत, कृत को लेकर भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति अगर आस्तिक है तो तप्त तो होता है, पाप क्यों कर लिया। अकृत अवसर आने पर भी सत पुण्य क्यों नहीं किया। कृताकृत दो प्रकार के कर्म, अब उस पर भी बहुत शास्त्रार्थ हो सकता है। न सत्व विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। अकृत जो हैं, अकृत कर्म अभावात्मक हुए या भावात्मक प्रयोग हुए, भृगु
अकृत भावात्मक कर्म हुआ या अभावात्मक? अकृत नारायण, अभी तो भूख लगी होगी, ना किया हुआ अकृत, ना किया हुआ, किया ही नहीं, तो ना भाव विद्यते सतः, अकृत्वाभावात्मक हुआ ना। वो फलोन्मुख कैसे हो सकता है? ना सत्व विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। पुण्य का अनुष्ठान नहीं किया, अनुष्ठान अभावात्मक होता है या भावात्मक? अभावात्मक हुआ तो अभाव के गर्भ से है, दुख कैसे निकलेगा? तो भाव पदार्थ सुख दुख देगा ना। ना सत्व विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, ये सब सूक्ष्म शास्त्रार्थ। किसी ने पाप किया या पुण्य किया तो उसका फल मिलेगा, पुण्य नहीं किया अकृत हो गया, पुण्य न करना अभाव हुआ या नहीं, वो फिर नरक आदि में कैसे डाल सकता है? क्योंकि अभाव के गर्भ से भाव कैसे निकलेगा? जो पुण्य नहीं करता है, कर्तृत्व बुद्धि संपन्न व्यक्ति पुण्य नहीं करता है, अवश्य ही वह पापों में प्रवृत्त होता है। तो पुण्यों का अनुष्ठान पाप के द्वार से फल लेता है। सीधे कैसे देखो, अभाव आत्मा के अभाव तो फल अप्रद नहीं हो सकता। अथवा सुखबोध आश्रम जित है, गृहस्थ आश्रम में, तो उन अपने बेटे से कहते संध्या वंदन कर। बेटा कहता था मार डालो, नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा, नहीं करूँगा, तो मैं सन्यासी हो जा। हो जा सन्यासी, हो ही गए। इसलिए ये भी एक घाटी है, प्रायः जो भक्त होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके बेटे आस्तिक निकल आवे बड़ा कठिन। क्या ज्ञानी राम ये सब थे, वो कहाँ, मुजफ्फरनगर में धोती पहनते थे, सेठ थे, हमारा प्रवचन सुनते थे, उनके बेटे आदि कौन हैं क्या हैं कुछ नहीं पता। प्रायः आजकल ये विडम्बना है, आस्तिक के बेटे आस्तिक हो जाएं बहुत कहना कठिन। अब वो आस्तिक व्यक्ता के नाम पर उठपटांग काम करने वाले भी नहीं थे, बहुत व्यवस्थित थे, इसलिए वंश परंपरा में आस्तिकता बनी रहे, ये भी बहुत पुण्य का प्रभाव। नैनम कृता कृते तपता एतम हवाव न तपति, यह जैसे सीख का अग्रभाग अग्नि में डालते ही जल के राख हो जाता, वैसे ही संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। पाप का अर्थ यहाँ पर पाप पूर्ण सब दोनों, तत्वज्ञ के लिए पुण्य भी पाप ही है। कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो भी किया जाए सब पाप ही है, पुण्य भी पाप है। कहीं ऊपर जाके लटके रहो, कहीं बीच में जाके लटके रहो, कहीं नीचे पहुँच जाओ, उत्क्रमण पुनर्भव अधोगति ऊर्ध्वगति मध्यगति अधोगति को प्रदान करने वाले जितने कर्म हैं वो सब एक प्रकार से पापी हैं तत्वज्ञ की दृष्टि से। न विभेति कुतश्च न, कहीं डर नहीं,
किसी से कभी भी कहीं भी डरने का नाम ही नहीं। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च न विभेति कुतश्च न भयं द्वितीया विनिवेश तस्यात् द्वितीयाद् वै भयं भवेत् भवति। भाई किस बात को लेकर? द्वैत बुद्धि ही तो कल कहा हमने, काम क्रोध लोभ सब में तो द्वैत बुद्धि हेतु है। द्वैत बुद्धि का मूल है अज्ञान, अज्ञान का कार्य है मोह। भाई भी किससे होता है? न विभेति कुतश्चन इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। गीता के चौथे अध्याय का वचन है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञान रूप जो अग्नि है, शुभाशुभ जितने भी कर्म हैं, शुभ अशुभ मिश्र कर्म के तीन विभाग हो जाते हैं, भस्मसात करने में समर्थ है। ज्ञान अग्नि के द्वारा सब कर्म भस्मसात हो जाते हैं, यह अभिप्राय। भस्मसात हो जाते हैं माने प्रारब्धातिरिक्त जितने कर्म हैं फलोन्मुख नहीं हो सकते, या इत्यादि स्मृतिभ्यश्च। इन स्मृतियों के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध है। यत्तु ऋणै प्रतिबद्ध्यत इति चे इति तन्ना अवका। स्वाध्याय के द्वारा ऋषि ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है, साध्य इत्यादि करने पर देव ऋण से मुक्त होता है, विधिवत विवाह करके संतान उत्पन्न करने पर पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। तब तो फिर किसी को आराम से संन्यास लेने ही नहीं चाहिए। या यत्तु ऋणै प्रतिबद्ध्यता इति चेत् तन्न अविद्या विषयत्वात्। बहुत बढ़िया काम। ऋण जो है अविद्या विषय है, मैं ऋणी हूँ और तुम ऋणी हो, मुझसे 25,000 रुपये लिए थे, ये सब अज्ञान की बात हुई या नहीं? छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति है, नाम नहीं लेंगे, उसके नाम के आगे वैष्णव लगता है। उसने किसी व्यक्ति से उधार लिया 1,000 रुपये, मांगने आया तो कहा शाप दे दूंगा तुम्हें। बड़ी सभा में दैवयोग से दोनों बैठे थे, हमें क्या मालूम। कहा महाराज ये जो बैठे हैं ये इनको समझाइए, हमसे कर्ज लिया, अब हम मांगने जाते हैं कि ब्याज न सही मूलधन लौटा दो, कि शाप दे देंगे। हमने कहा ऐसे झूठे व्यक्ति का शाप लगेगा क्या? कर्ज लेके व्यक्ति के कर्ज हमको लौटाओ तो कहे शाप दे दूंगे, ऐसे व्यक्ति का शाप लगेगा क्या? निर्लज फिर भी बैठा रहा। भोले वाले व्यक्ति को ऐसे लोग ठगते हैं। कर्ज ले लिया, मांगने जाए कि भैया मां लौटा दो तो साफ दे दूंगा, बेचारा डर जाए तो साफ न दे दे ऐसे। यत्तु ऋणै प्रतिबद्ध्यता इति तन्न अविद्या विषयत्वात्। ऋण जो है अविद्या विषय है। बंद रखिए भाई, खेल मत कीजिए, पाठ है ये। प्रधानमंत्री के यहाँ भी जाते तो मोबाइल वोबाइल लेकर नहीं, मर्यादा का पालन कीजिए। आजकल तो मोबाइल ने सबका दिमाग खराब कर दिया।
अविद्या विषयत्वात्, ऋण जो है अविद्या का विषय है। मैंने किसी को ऋण दिया, मैंने किसी से ऋण लिया, मैं किसी का ऋणी हूँ, मेरा कोई ऋणी है यह सब जो मान्यता है अज्ञान के कारण ही तो है। अविद्यावान ही ऋणी, ऋणी कौन होता है, मतलब देव ऋण, पितृ ऋण, ये सबसे कौन, जब तक अज्ञान है तब तक ऋणी है। अब कोई इसका क्लिष्ट प्रयोग करे, अरे भाई हमने तुमसे ऋण लिया 50,000, अब हम ज्ञानी हो गए, हम थोड़े ऋणी हैं, दुरुपयोग हुआ या नहीं। अविद्या विषयत्वात् अविद्यावान ही ऋणी, देव ऋण, तो देवताओं को आत्मस्वरूप नहीं जाना तो उनके ऋणी हो गए, पितरों को आत्मस्वरूप नहीं जाना तो उनके ऋणी हो गए, या हुआ ऋषियों को आत्मस्वरूप नहीं जाना था उनके ऋणी हो गए। स्वाध्याय से ऋषि ऋण का अपनोदन होता है, यज्ञादि से देव ऋण का उन्मूलन होता है, देव ऋण नहीं रहता है, और विवाह करने पर संतानोत्पत्ति से पितृ ऋण का अपनोदन होता है। लेकिन आजकल ऐसे पुत्र जो श्राद्ध न करें, तर्पण न करें तो क्या होगा, विवाह करना भी व्यर्थ ही गया। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि ही न करें तो पंजाब आदि में तो अब विचित्र हालत हो गई, हरिद्वार में ला करके सबको जला देते हैं, तो इतना सही गंगा तट पर उसी समय शुद्ध मान लेते अपने को, कोई 13 दिन 12 दिन 11 दिन कुछ मर्यादा नहीं, 10 दिन 12 दिन 15 दिन 1 महीना कुछ नहीं मानते। अविद्यावान ही ऋणी, जो विद्वान होता है, तत्वज्ञ नहीं होता, ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान से संपन्न नहीं होता, वही ऋणी है। मैंने अमुक को ऋण दिया, मैंने अमुक से ऋण लिया, ये सब ने जब देवताओं को भी उसने आत्मस्वरूप जान लिया, पितरों को आत्मस्वरूप जान लिया, ऋषियों को आत्मस्वरूप जान लिया, तो किसी का ऋणी नहीं रहा। तस्य कर्तृत्वादि उपपत्ते है या का क्योंकि जो विद्वान होता है वह हम बुद्धिपूर्वक काम करता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न होता है, तो वही किसी का ऋणी होता है। यत्र वा अन्यदेव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत् इति वक्ष्यति, आगे श्रुति स्वयं ही बताएगी। अन्यत् एव द्वैतमिव, अन्यत् एव, एव माने वास्तव में तो अन्य कोई आ ही नहीं, अन्य सरीखा है, वास्तव में तो द्वैत कुछ आ ही नहीं, द्वैत सदृश है। यत्र वा अन्यत् एव स्यात् तत्र अन्योन्य पश्चेत, अन्य अन्य को देखता है, या आगे श्रुति स्वयं कहेगी। अन्य सद्वस्तुवात्माख्यम यत्रा विद्यायाम सत्यामन्यदिव स्यात् तिमिर कृत द्वितीय चंद्रवत् तत्रा विद्या कृतानेक कार कापेक्षम दर्शनाधिकर्म तत्कृतम फलम च दर्शयति तथा न्योन्यत पश्येत इत्यादि न यह कहा।
देवता लोग भी विघ्न डालेंगे ऐसा नहीं। अविद्वान व्यक्ति ऋणी होता है, ऋण से बंधा होता है, क्योंकि ऋण जो है अविद्यक है। ऋणी वही व्यक्ति होता है जो अविद्यायुक्त है, क्योंकि वह कर्तृत्व भोक्तृत्व से संपन्न है। व्यवहार दशा में चाहे जागरण अवस्था हो चाहे स्वप्नावस्था हो, जिसके जीवन में सर्वात्मभाव नहीं है वही अपने से भिन्न किसी को समझता है, किसी से भिन्न स्वयं को समझता है। यह हुआ तिमिर कृत द्वितीय चंद्र चातिमिरकृत द्वितीय चंद्र चंद्रवत तत्र विद्या कृत अनेक कारक का अपेक्षम दर्शनादि कर्म। यह हुआ मंद अंधकार में रज्जु सर्प के रूप में परिलक्षित होता है। तिमिर रोग से भासने वाला द्वितीय चंद्र तिमिर रोग न भी हो तो चिताव जो लोचन उंगली लाए ऐसे तुलसीदास ने लिखा, उसे भी एक चंद्रमा दो चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से तैमरिक रोग की दशा में जैसे एक चंद्र दो चंद्र के रूप में परिलक्षित होता है, ऐसे ही अनेक कारकापेक्षम दर्शन आदि कर्म अनेक कारकों की अपेक्षा से संपन्न होने वाले श्रवण मनन श्रवण दर्शन आदि कर्म है। कर्म माने क्रिया, अनेक कारक का अर्थ क्या हुआ, भगवद गीता 18वां अध्याय अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन से वात्र पंचमम। एक वचन यह है गीता 18वां अध्याय 4वां अध्याय में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हूतम ब्रह्मवेत्यन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधीनम। अब दोनों में सामंजस्य, व्यावहारिक धरातल पर यह वचन है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। तत्व दृष्टि से गीता के चौथे अध्याय में ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवेत्यन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधीनम। व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करें तो क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म ही उल्लसित है। शंकराचार्य ने तथ्य को उद्भाषित किया। व्याकरण की दृष्टि से ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवेत्यन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना क्रिया कारक फल तीनों रूपों में ब्रह्म तत्व ही उल्लसित है। उधर पांच हेतु अधिष्ठानम एक हमने दृष्टांत दिया, कोई सुन रहे थे सज्जन, रेल की दुर्घटना हो गई थी यहीं उड़ीसा में, उन्होंने उसी के आधार पर काम शुरू कर दिया। हमने कहा था रेल की दुर्घटना हो जाए तो गीता का जो 18वें अध्याय का वचन है अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवन से वात पंचवन, जांच कमीशन के व्यक्ति किस प्रकार जांच करें। अधिष्ठानगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, डब्बे के कारण पटरी के कारण ड्राइवर के प्रमाद के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, तथा कर्ता ब्रेक फेल ब्रेक आदि फेल हो जाने के कारण दुर्घटना तो नहीं हुई,
कारणम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि देने में त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई, और कोहरा आंधी तूफान वर्षा देवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। यह अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा देवम सेवा से पंचमम। अब इन श्लोकों का व्यवहार में कोई उपयोग करे बहुत अच्छी बात है। अविद्या पर्यंत ही कर्तृत्व आदि की निष्पत्ति है। यत्र वा अन्यदेव स्यात् तत्र अन्योन्यत् पश्येत् इति ही वक्ष्यति। अन्यत् द्वैतमिव इव माने वास्तव में तो अन्य कुछ नहीं होता, अन्य सरीखा होता है। स्वप्नावस्था में जितने स्थावर जंगम प्राणी परिलक्षित होते हैं, पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश, ये सब के सब क्या हैं, अन्य होते हैं या अन्य इव अन्यत इव, यह हुआ। अब कोई कह सकता है कि स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कौन करता है? त्यागात शांतिरनंतरम स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग स्वप्नावस्था में है। अनिच्छन्नपि भी किसी को नींद आ जाए, स्वप्न हो जाए, तो स्थूल शरीर स्थूल प्रपंच का भावनात्मक वियोग रूप जो त्याग है, उस त्याग का बल स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक् काल स्थावर जंगम प्राणियों को अभिव्यक्त उत्पन्न करने की योग्यता में हेतु है, यानी अनिच्छन्न भी त्याग फल देता है। न चाहने पर भी अगर नींद आ जाए तो द्वंद्व और दुख की प्राप्ति या व्याप्ति नहीं होती सुसुप्ति में। अनिच्छन्न भी व्यक्ति नींद में स्वप्न देखने लगे तो स्वप्नावस्था की क्या विशेषता है? स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच का त्याग का बल इतना होता है, उस समय स्वयं हम आप पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश स्थावर जंगम प्राणियों की रचना कर लेते हैं। इसीलिए योग दर्शन आदि के अनुसार विभूतिपाद श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंद में भगवान की अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की विधा का वर्णन। स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतारने की क्षमता, संयम के बल पर धारणा ध्यान समाधि तीनों एक केंद्र बिंदु पर समवेत हो जाए तो उसका नाम है योग दर्शन के अनुसार संयम। क्या अर्थ हुआ? स्वप्नावस्था की सिद्धि को जागृत में उतार ले, सिद्धों का सिद्ध हो जाए, यानी सुसुप्ति में द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं है, द्वंद्व की न प्राप्ति है न व्याप्ति, न दुख की प्राप्ति है न व्याप्ति, तो द्वंद्व रहने पर भी द्वंद्व की प्राप्ति और व्याप्ति ना हो, यह सुसुप्ति की सिद्धि है। इसको कोई जागृत में उतार ले। शनकादि ने क्या किया है? समाधि की सिद्धि को जागृत में उतार दिया। देखत बालक बहुकालीन, भगवान सुखदेव जी आज भी किसी को दिखाई पड़ेंगे, दर्शन देंगे, लगभग 16 साल के ही दिखेंगे। मार्कंडेय महर्षि किसी को दर्शन देंगे, 25 साल के ही दिखाई पड़ेंगे। सनकादि नंद धर्म 5 साल के बाल गोपाल दिखाई पड़ेंगे। समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है व्यवहार में धारणा के बल पर संयम के बल पर इन महानुभावों ने अपने जीवन में उतार लिया। 12 साल के किशोर को 12 साल के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 साल की अवधि निर्विकल्प समाधि में बीतने पर भी उसकी आयु 12 साल की ही बनी रहे। कुछ गुरुदेव ने हमको एकांत में बताया, हम दूसरे के सामने बता रहे, उन्होंने कहा भविष्य में
गली गली में जगह जगह योग की चर्चा होगी, परम ध्यान देना। 12 साल के किशोर को 12 वर्षों के लिए कदाचित निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु 12 साल की ही बनी रहेगी। सुषुप्ति में समाधि में क्या अंतर है? प्राण से प्रज्ञा शक्ति एक हो जाए तो सुषुप्ति प्रज्ञा से प्राण शक्ति तादात्म्यपन्न हो जाए, प्रज्ञा भावापन्न हो जाए प्राण तो समाधि। प्राण की प्रधानता से सुषुप्ति है और प्रज्ञा की प्रधानता से समाधि। पार्वती पतये हर हर।